हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मिलिन मिसाल। आप सबका चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखने वाले कैटरपिलर का ड्राइंग, जिसके लिए हम मशरूम ड्रॉ कर सकते हैं। इस साइड में भी, सेंटर में भी, हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है उस हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और कैटरपिलर का भी डिज़ाइन अलग अलग टाइप से, और साथ में फ्लावर्स भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इस पेपर के सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा स्लांटिंग मशरूम ड्रॉ करेंगे पहले। तो मशरूम सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा स्लैंटिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा साइड से कर्व कर देते हैं, नीचे से भी कर्व, और एक थोड़ा सा बम पट्टी शेप करते हैं, नीचे से फाइन, दोनों साइड से कर्व करते हैं। मशरूम ड्रॉ करने के लिए लाइट लाइट ड्रॉ करना है। हम नीचे दो स्लैंटिंग, थोड़ी सी तिरछी दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, और उसमें थोड़ा सा ज़िगज़ैग ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मशरूम के नीचे का पार्ट थोड़े थोड़े कर्व करते हुए ज्वाइन कर देते हैं, और मशरूम के अंदर ऐसे कर्व कर्व सारी ओर से ड्रॉ करते चलते हैं, नीचे से भी वापस। मशरूम के लिए नीचे से दो लाइन ड्रॉ किया, तो इस टाइप से हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। वापस इधर से भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि नीचे से दिखाई दे रहा है मशरूम। इस टाइप से हम यहाँ पे हम हमारे चॉइस के फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग टाइप की हो सकती है, एक जैसे यहाँ पर हम एक टाइप का फ्लावर बनाएंगे, दूसरे साइड में दूसरे टाइप का फ्लावर बनाएंगे, या फिर हम सेम भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी फ्लावर बना सकते हैं। उसके ऊपर हम छोटी सी बटरफ्लाई भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप से हमने फ्लावर ड्रॉ कर लिया, साथ में हम लीफ ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे हम तीन चार लीफ ड्रॉ कर देते हैं, इस साइड में भी ड्रॉ कर लिया, और कुछ हम ग्रास ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे थोड़ा सा लैंड पार्ट दिखा देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ग्रास बुश ड्रॉ कर सकते हैं, ग्रास ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मशरूम के अंदर हम सर्कल सर्कल डिज़ाइन बना लेते हैं। अब इतना हो गया, यहाँ पे हम कैटरपिलर नीचे फेस भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो सेंटर से स्टार्ट करते, सर्कल शेप ड्रॉ करते पहले, फिर उसको ज्वाइन करते चलते, ऐसे 6-7 सर्कल ड्रॉ करके बना सकते हैं। यहाँ पे हम फेस बना लेते हैं, यहाँ पे क्यूट सी उसकी आंखें बनाते हैं, नोज और स्माइली फेस, और साथ में एंटीना। तो एंटीना के लिए दो छोटे सर्कल दो लाइंस, उसके छोटे छोटे से पैर बना देते हैं, छोटे छोटे से एकदम, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा हम दिखाने वाले हैं। ये हो गया। यहाँ पे हम और भी कुछ फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं, या एक लीव ड्रॉ कर सकते हैं, बटरफ्लाई ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऊपर में भी क्लाउड सन रेनबो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा हमारे इमेजिनेशन ऐड करना है। फिर ये सब हो जाने के बाद इसको हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हम ऑयल पेस्टल कलर यूज़ करने वाले, पेंसिल कलर से भी कर सकते, वाटर कलर से करना है तो हमें स्केच पेन की आउटलाइन बाद में करेंगे। ये ऑयल पेस्टल कलर है, इसमें से हमारे मनपसंद कलर हम कैटरपिलर और मशरूम में कर सकते। तो अभी कैटरपिलर के लिए हमने सबसे पहले लाइट येलो शेड, फिर मिडल ग्रीन और डार्क ग्रीन, तीन शेड का यूज़ करें। तो स्पीयर का शेडिंग है इसमें, इसलिए हाईलाइट दिखाने के लिए हमने येलो येलो कर लिया, फिर येलो के बाद डार्क ग्रीन का शेड कर लेते हैं। पहले लाइट येलो कर लिया और फिर डार्क ग्रीन, ऐसे सब में एक साथ कर लेते हैं, राउंड राउंड छोटा छोटा, यदि अलग अलग कलर के करना है तो भी हम कर सकते हैं। सब में अच्छे से करना है, आउटलाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, गया तो कोई बात नहीं, बट ध्यान देना है। और ये हो जाने के बाद अब लाइट ग्रीन से इसमें हम मर्ज करेंगे, तो ब्लेंडिंग अच्छे से होना चाहिए। तो जैसा ये स्पीयर का शेडिंग का लुक देगा राउंड शेप में, तो यहाँ पे हमने तीन शेड यूज़ किए, येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो धीरे 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 ऐसा मर्ज करते चलते, तो एक बॉल के इसमें शेडिंग दिखाई देता है।
और यहाँ पे एंटीने को भी ब्लैक कलर कर दिया, उसके पैरों में येलो कलर। या मशरूम हम कलरफुल भी बना सकते हैं। अब ये मशरूम के कलर हम डार्क पिंक और लाइट पिंक ऐसे दो शेड में कर रहे हैं, तो दोनों साइड से पहले डार्क शेड कर देते नीचे से भी। यहाँ पे हमारे चॉइस का मशरूम कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर पिंक कलर पूरा अच्छे से भर देते, कहीं पे भी पेपर का वाइट नहीं छूटना चाहिए, पूरा अच्छे से मर्ज करना है धीरे धीरे राउंड राउंड। तो इस टाइप से हमने कर लिया है। ये जो सर्कल है, सर्कल में हम कलर कर सकते हैं, नहीं तो हम वाइट ही रखने वाले हैं, और साथ में वाइट कलर से उसके ऊपर मर्ज करते तो एक साइड हाईलाइट आ जाएगा, इसलिए वाइट कर रहे हैं। और ये हो जाने के बाद हम दूसरे साइड में जहाँ डार्क शेड पहले किया था वहाँ पे और एक बार दोबारा डार्क करते हैं, और फिर इसको वापस पिंक शेड से मर्ज करेंगे। तो अब पिंक कलर लिया, इसके ऊपर राउंड राउंड करना है, मर्ज करना है छोटे छोटे स्ट्रोक। अब ये मशरूम के नीचे का जो पार्ट है उसके अंदर लाइट येलो शेड है, यहाँ पे दूसरे भी शेड हो सकते हैं, तो लाइट येलो शेड ले लेते हैं। फिर इसके ऊपर हम वाइट से मिक्स करते हैं, वाइट कलर से मर्ज कर लेते हैं अच्छे से। और फिर नीचे थोड़ा और शेडो दिखाने के लिए लाइट ग्रे शेड यूज किया है। अब ये जो शेड है हम फ्लावर के लिए यूज कर रहे, तो यहाँ पे दूसरे कलर कॉम्बिनेशन का भी फ्लावर हो सकता है, बीच में जैसे येलो ब्राउन कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे दूसरे फ्लावर में रेड और येलो का शेडिंग करेंगे। तो पूरा ड्राइंग हम शेडिंग में कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप से। पेंसिल कलर करना है तो भी इसी टाइप से कर सकते हैं, और वाटर कलर करना है तो भी इसी टाइप से हम करेंगे। बीच में येलो ऑकर ब्राउन और थोड़ा ग्रे का शेड मिक्स करते हैं, थोड़ा डार्क शेड करने के लिए हल्का सा हम ब्राउन शेड का भी यूज करेंगे। इस टाइप से अच्छे से मर्ज करना है, शेडिंग करना है। एक साइड से लाइट है क्योंकि मशरूम में भी ऊपर लाइट शेड किया है वैसे ही। अब लीफ में भी हम तीन कलर यूज करेंगे, लाइट, लाइट ग्रीन और डार्क, ऐसे तीन शेड। तो लाइट येलो कर लिया, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। जो बुश रहेगा, ग्रास रहेगा, उसमें हम दूसरे शेड ग्रीन के यूज करेंगे, जैसे ऑलिव ग्रीन, लीफ ग्रीन का यूज कर सकते हैं। अभी नीचे का जो जमीन का पार्ट दिखा रहे हैं वहाँ पे हमने येलो ऑकर, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन का यूज किया है। मर्ज करना है स्लिपिंग स्ट्रोक, एक ही डायरेक्शन में कलरिंग होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, कहीं पे भी पेपर का वाइट नहीं छूटे, ध्यान से कलरिंग करना है, मर्ज अच्छे से करना है। अब ये सारा हो गया। जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में हम टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे चॉइस का भी हम बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाइट ब्लू वाइट का मिक्स करेंगे और लाइट पिंक शेड, ऐसे तीन शेड का यूज़ करके हम पूरा बैकग्राउंड कर रहे हैं। पेपर का भी वाइट नहीं दिखना चाहिए, इसलिए टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं मिक्स, या कॉटन से। तो इस टाइप से हम एक सुंदर सा कैटरपिलर का ड्राइंग बना सकते हैं। बढ़िया सा मिक्स हो गया इस टाइप से। तो आप लोगों को ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.